बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये हफेली का क्वेश्चन पेपर है क्लास टेन का। ठीक है, आप लोग का कई डिस्ट्रिक्टों का पेपर हो चुका है। मुझे जो जो पेपर मिला है उसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, और अभी जो पेपर आप लोगों का एग्ज़ाम होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दो दूंगा, एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा और एक व्हाट्सएप नंबर एक ग्रुप दूंगा मैं। आप या तो ग्रुप में ज्वाइन कर लें, बेहतर होगा। वो क्लास टेन का ग्रुप है और व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझे अपना पेपर को भेज सकते हैं, ताकि आपका आपके पेपर से कई और स्टूडेंट का भी कुछ हेल्प हो जाए। तो हेल्प होता है कैसे, देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ये जो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का पेपर है, ये वाला हफेली एग्जामिनेशन का जो क्लास टेन का, अभी एग्ज़ाम कई डिस्ट्रिक्ट का हुआ नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट का हो चुका है, जो बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का हो चुका है। तो जो पेपर मिला है मुझे, मैं ऑलरेडी दिया हूँ और जो मिलेगा वो भी दूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो पेपर मिल रहा है मुझे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। एमआईएल हिंदी में अंबर भाग दो जिसका है, तो वहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया था। कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदू को कौन प्यारा है, कबीर दास से ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया था, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ग्रामर 30 मार्क का था, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि 30 मार्क का ग्रामर ही है। तो ग्रामर में ग्रामर का वेटेज कुछ हाई दिखने को मिला मुझे, ऐसे राइटिंग भी है, सब कुछ है। तो ग्रामर ऑलरेडी मैं स्पेशल मैं करा चुका हूँ, वहाँ पे सब ग्रामर कवर किया गया है, अनेक शब्द के एक शब्द पर्यायवाची सब, और उससे बाहर नहीं पूछेगा, मैं दिखा भी रहा हूँ। कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदू को कौन प्यारे है, किरणों का खेल किस प्रकार का कविता है, ये कई बार फाइनल 21 के क्वेश्चन में भी आया हुआ, 2020 के क्वेश्चन के फाइनल में भी पूछा था यही क्वेश्चन, सेम फाइनल में भी। कवि अने पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कहा, ये भी फाइनल में पूछ चुका है। तो ये मत सोचिएगा जो हफेली का एग्जाम का पेपर है क्या फाइनल में काम करेगा, बेसिकली वहाँ से 30% क्वेश्चन काम कर जाता है डायरेक्टली। तो सूरज मोती का उपहार कैसे बटोर लेता है, सदा सवेरे होने पर सूरज मोती का उपहार बटोर लेता है। आत्म संस्कार के लिए कवि का मतलब आवश्यक माना गया है, संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है, बहुत जरूरी है, यह आत्मनिर्भरता चैप्टर से है, आप ज़रूर पढ़िएगा। और देखिए, आपको अगर कोई चैप्टर स्कूल में समझाया जा रहा है, टीचर आपको एक्सप्लेन करता है, आपको समझ में नहीं आता है, कई सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हमें पहले वो कमेंट करते थे, तो अभी फाइनल दे चुके हैं वो लोग, क्लास 11 में अभी भी उनसे बात होता है। तो वो लोग स्टूडेंट मुझे कहते थे कि सर हमारे स्कूलों में जो समझाए जाते हैं उसे समझ में नहीं आता है, पर आप जो समझाते हैं बिल्कुल सरल भाषा में मुझे समझ में आ जाता है। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, और डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट दे देता हूँ, पूरी चैप्टर आत्मनिर्भरता, किरणों का खेल, तोड़ती पत्थर, इंटरनेट के खत्ते मीठे, बिल्कुल जो भी चाहिए आपको वहाँ से जाकर एक बार देख लीजिए। पद वाला जो हो गया, बिल्कुल मैं वहाँ पे नमक का दरोगा हो गया, सब समझा चुका हूँ, सब कुछ दे दिया हूँ वहाँ पे, एक एक शब्द को समझाया हूँ। लेकिन हाँ, यही है, थोड़े से पेशेंस रखे, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वीडियो आधे घंटा, कभी कभी कुछ वीडियो 40 मिनट 50 मिनट एक घंटा तक भी गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना कम टाइम लूँ, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं समझा दिया हूँ, आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐसे मैं समझाया हूँ, और वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन को भी अंदर से, जो इनर क्वेश्चन कहा जाता है, जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा है और पूछने की संभावना रहता है, वो क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। तो आई होप कि आप लोग वो प्लेलिस्ट चेक करके पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं, और ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक करके ग्रामर कर लेते हैं, और ये सब क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, तो आपको 85-75 लाने में कोई रोक नहीं सकेगा, ये मैं कहता हूँ। मोती का ऊपर कबट रहता है, ये तो स्त्री पत्थर के समय तोड़ रही थी, दोपहर के समय मोको कहाँ सिकरी से काम। देखिए, ये वाला 2020 की फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ था, मोको कहाँ सिकरी से काम, यह कथन किसका है, यह किसका कथन है, यहाँ पे किसका छूटा हुआ है। तो अवसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है वो आपको लिखना है, ये वहीं पे मिल जाएगा, बिल्कुल बुक से क्वेश्चन है, ये हम नहीं कर सकते हैं, अंदर से बुक से है। अवसर आपकी गलतियों का क्या मांगता है, बुक के अंदर से क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है। देखिए, कई स्टूडेंटों का ये कहना है कि उनको सिलेबस नहीं मिला है, जिसका जिसका सिलेबस नहीं मिला है, तो आप ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, ये अवसर से है, ये तोड़ती पत्थर से है, मौको कहाँ सिकरी से काम, ये भी अब आप आत्मनिर्भरता से है, आत्मनिर्भरता से है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, कबीर दास का चैप्टर से है, संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है, किरणों का खेल से है। मैं बोल रहा हूँ चैप्टर आप दाग मारिए और पढ़िए, ये कबीर से है, संत कबीर दास ने जग को बुराया हुआ क्यों कहा है, पद वानी कबीर पद वाला, युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए, नियति को नटी क्यों कहा गया है, एकलव कौन था, ये भी आत्मनिर्भरता से है, अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते थे,
फाइल की तरह है कि नहीं। लेखक अफसर के साथ नाव में बैठने से मना क्यों करे? अफसर और आत्मनिर्भरता, अफसर एक चैप्टर है पढ़िएगा, आत्मनिर्भरता अफसर से इतना सारा क्वेश्चन भर के दिया, इंटरनेट के खट्टे मीठे से भी देता है। आत्ममर्यादा के लिए कौन सी गुण आवश्यकता होनी चाहिए, कौन सी बातें आवश्यकता होनी चाहिए, समझा दिया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ मैं। अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है, अबे तुर्ती पत्थर से, तुर्ती पत्थर पर कविता का प्रतिभा देवी 2020 का क्वेश्चन है। हफेली का क्वेश्चन जो भी बनाता है ना, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाए जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी क्वेश्चन आता है वो ना आपका, मैं कहना चाहता हूँ कि वो फाइनल पेपर को देखकर उन लोग बनाता है, फाइनल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रीवियस पेपर को देखकर बनाया जाता है, पाठ के आधार पर अफसर की। तो ये सॉरी अर्जेंट खोला गया था, तो यहाँ पे देखिएगा, ये पाठ में आए कुछ आत्मनिर्भरताशील व्यक्तियों के बारे में फिर से दिया है। अब देखिए ग्रामर 30 मार्क का मैंने बोला था, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से मुहावरे से, घोड़ा बेचकर सोना, पो बारो होना, भीगी बिल्ली हो जाना, और इस बार ये नहीं आएगा, इससे थोड़ी सी हटकर आएगा, लेकिन वो दे दिया हूँ मैं मुहावरा, जितना भी ग्रामर है ये सब ऑलरेडी कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन के नीचे ग्रामर का लिंक दे रहा हूँ, आपका जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि आप जाके सब कुछ ग्रामर देख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, और बस वही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। ऐसे चाहिए वो भी दिया हुआ है, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। तो मुहावरा था, पर्यायवाची शब्द सरस्वती का, चंद्रमा का, हाथ का, विलोम शब्द अनुरक्त, शोषण, क्रय, समास विग्रह। समास का स्पेशली वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज समास जो है बहुत क्रिटिकल है, ये समझने में बहुत ही कठिन होता है, कि जिस तरह नीलकंठ, नील गगन, चौड़ाहा, बहुब्रीय समाज, यथाशक्ति है कि नहीं, द्विगु समाज है, कुछ कुछ बहुब्रीय समाज है, नील गगन, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ, तो वहाँ पे बहुत समास में आपका एक मार्क भी नहीं छूटेगा, मतलब आधा मार्क भी नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। समास का अभी वह क्या, चलिए मैं वहाँ पे स्पेशल लिंक दे दे रहा हूँ समास के लिए, ठीक है, समास के लिए। समुचित शब्द आदि आदि ये भी दे चुका हूँ, आप ज़रूर जाके देखिए, वहाँ पे लगभग सिर्फ यही नहीं दिया हुआ है, जितना दिया है उससे बाहर नहीं आएगा एग्ज़ाम में। आपके विद्यालय में पानी की समस्या है तो प्रधानाध्यापक जानते हैं, पत्र लिखिए, पत्र भी दे चुका हूँ, ये तो प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा आपको ये सब। अपने मित्रों का नौ वर्ष की शुभकामनाएँ, न्यू ईयर आ रहा है, आप उसको न्यू ईयर के शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उसके लिए एक पत्र लिखना है, ये भी दे चुका हूँ। वैचित्र्य में असम से दो पाठ ही पढ़ना है, ये आपके ऊपर है, कोई दो जातियों के बारे में पढ़े, तिवा के बारे में पढ़ ले, बोडो के बारे में पढ़े, आपकी मर्जी है। यहाँ पे कुछ शंकरदेव का वर्गीत कविता से दिया है क्वेश्चन, अमीर खुसरो से क्वेश्चन है, शतरंज के खेल का आविष्कार किसने किया था, ये अमीर खुसरो ने ही किया था, ये सब देखिएगा, वर्गीत से चैप्टर है, वर्गीत वहाँ से है, अमीर खुसरो से चैप्टर से दिया है, ये इतना क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद नाग पंचनानन नादे पल्लवात, इस पंक्ति में नाम की तुलना पंचनान से क्यों की गई है, ये मुझे अभी भी इतना मैं इंटरनेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ से दिया है, आप लोग एक बार जरा से निकाल के देख लें। भारतीय एकता में अमीर खुसरो, शायद वो भी अमीर खुसरो से ही होगा, ये अमीर खुसरो का योगदान पूछा है। अलंकार परिभाषित करते हुए हिंदी दो प्रकार के बारे में से जो लिखा है, किन्हीं दो प्रकार के बारे, अलंकार के ऊपर क्वेश्चन है, ग्रामर का एक पार्ट है, चार मार्क का है, दो दो लिखना है। अमीर खुसरो का योगदान छः मार्क का लिखना है। किसी एक विषय पे ये ऐसे राइटिंग है, अनुच्छेद लेखन है, ठीक है, निबंध नहीं कहा जैसा। देखिए अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है, बेसिक अंतर है, बहुत बेसिक। निबंध ये जो अनुच्छेद है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, इसके विषय में डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, कुछ मूल तत्वों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन निबंध में क्या होता है, निबंध आप अगर लिखिएगा तो वहाँ पे देना पड़ता है कि मान के चलिए प्रदूषण हो गया, प्रदूषण आ चुका है मेरे, मान के चलिए पोल्यूशन आ गया है, चलिए अनुशासन ही ले लेते हैं, तो उसका परिचय लिखना पड़ेगा, अनुशासन का महत्व लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, उसका मतलब मेरिट डिमेरिट देना है, अनुशासन विफलता से क्या हानि होता है, अनुशासन रहने से क्या लाभ होता है, ये सब लास्ट में उपसंहार कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो जो अनुच्छेद लेखन है उसका कुछ डिसिप्लिन होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन निबंध लेखन, सॉरी निबंध में कुछ डिसिप्लिन होता है, और अनुच्छेद में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप परिचय, लाभ, हानि ये सब अगर नहीं भी समझा रहे हैं, समझा देते हैं तो बहुत बेहतर है, सोने पे सुहागा कहा जाएगा, लेकिन नहीं समझाते हैं फिर भी आपको चलेगा।
तो लगभग इतना क्वेश्चन था, और आप लोग का पेपर होने से मुझे सेंड कीजिएगा, मैं नीचे सब कुछ दे रहा हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कीजिए आपको क्या क्या वहाँ पे मिल रहा है। एक तो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें मुझे पर्सनली आप अपना पेपर भेजिएगा, और एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आप ज्वाइन कीजिएगा, तो वो आपका फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है और जो भी पेपर वगैरह ये सब है मेरे पास, मैं उसे ग्रुप में सेंड करता हूँ। और एक आपका जितना ग्रामर है सब प्लेलिस्ट, हिंदी का प्लेलिस्ट, हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट रहेगा, ग्रामर प्लेलिस्ट रहेगा, समाज का एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ। सो आई होप कि ये सब आपको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प कीजिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को, जो भी ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसको ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि उनका भी ये फ़ायदा होगा।